मूवी की शुरुआत होती है रोम की एक यूनिवर्सिटी से, जहां डोडो नाम का लेक्चरर अपने स्टूडेंट्स को फ्रेंच साहित्य पढ़ा रहा होता है। इसके बाद डोडो अपने घर जाता है, जहां उसके बीमार पिता को दिखाया जाता है, जो कि बेड रेस्ट पर है। डोडो ने अपने पिता की देखरेख के लिए फोस्टा नाम की एक नर्स को रखा है, जो कि डोडो के पिता अल्बर्टो को दवाइयाँ देने से लेकर उसकी फिजिकल नीड को भी पूरा करती है। फोस्टा डोडो को लाइक करती है और ये बात वो डोडो को कई बार बता भी चुकी है, लेकिन डोडो उसको मना कर देता है। आज भी जब डोडो अपने पिता के सोने के बाद अपने रूम में गया, तो फोस्टा उसके पीछे रूम में आकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन डोडो हमेशा की तरह आज भी उसको खुद से अलग कर देता है। अब अगले दिन जब डोडो अपने पिता से मिलने उसके रूम में जाता है, तो हमें अल्बर्टो की बातों से पता चलता है कि डोडो और उसकी वाइफ अलग रहते हैं। डोडो की वाइफ का नाम सिल्विया है, जो कि डोडो के बिहेव के कारण उसको छोड़कर चली गई। अल्बर्टो और डोडो बातें कर रही होते हैं कि इतने में पोस्ता आकर अल्बर्टो की देखभाल करने लगती है। डोडो के सामने ही ये एक दूसरे को बहुत ही अजीब तरीके से टच कर रहे थे, जिसको देखकर डोडो को काफ़ी अजीब फील होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फोस्ता काम खत्म करके वहां से चली जाती है। अब अगले दिन डोडो को दिखाया जाता है जो क्लास में पढ़ा रहा होता है, लेकिन उन स्टूडेंट्स में से एक अफ्रीकन लड़की जिसका नाम पासकेसी है, वह डोडो को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रही थी। और जब क्लास खत्म होने के बाद डोडो अपने घर जाने लगता है, तो वह आकर डोडो से लिफ्ट मांगती है। वो डोडो को अपने घर ले जाती है और डोडो को अपनी न्यूड फोटोज़ क्लिक करने के लिए मनाती है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी उस लड़की की रूममेट आ जाती है, जो इन्हें ऐसे देखकर नाराज़ हो जाती है। और फिर ये दोनों अपने इंटीमेट होने की फ़ोटोज़ डोडो से क्लिक करवाती है। डोडो को ये बहुत अजीब लगता है और वो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके वहाँ से भाग जाता है। घर पहुँचकर डोडो अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन उससे बात नहीं हो पाती। और फिर डोडो को अल्बर्टो के रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तो वह विंडो से देखता है कि अल्बर्टो और फोस्ता दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, जिसके बाद वह अपनी वाइफ के साथ अपनी लाइफ को इमेजिन करने लगता है और बाथरूम में जाकर मास्टरबेट करने लगता है। इसके बाद इनके घर पर एक आदमी आता है, जो इसके पिता अल्बर्टो को देखने आया था। अब अगले दिन डोडो अपनी वाइफ से मिलने जाता है, जहाँ ये दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, और डोडो अपनी वाइफ को घर वापस आने को कहता है, लेकिन सिल्विया मना करती है और कहती है कि अब उसकी लाइफ में कोई और आदमी आ गया है। और डोडो को अपनी फर्स्ट नाइट के राज के बारे में भी बताती है, जहाँ डोडो के पिता अल्बर्टो उनके रूम में आए और उसके साथ इंटीमेट हुए थे। डोडो अब घर आकर अपने सोते हुए पिता को गुस्से और नफरत भरी नज़रों से घूर रहा है। इतने में उसके पिता नींद से जाग जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वह उसको ऐसे क्यों घूर रहा है, तो डोडो बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। डोडो अपनी वाइफ से मिलता है, जहां वो उससे सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है, तो वो उसे माफ़ कर देती है। अब इनके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, तो ये दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद डोडो और सिल्विया एक साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।